होप। अल्लाह खैर करे, सब ठीक हो जाएगा, आप परेशान ना हो। अल्लाह सब बेहतर करे। कजन, मैंने सुना है कि ऑपरेशन काफी मुश्किल था। एंगिन, कितनी बार कहा है कि मुझे अपना कजन मत कहा करो। नहीं है हम कोई कजन मजन। अरे देखो, अब हम दोनों कजन्स तो बन चुके हैं, सौते ले ही सही। हाँ हाँ ठीक है, हम हैं कजन्स। मैं थक गया हूँ, चलता हूँ। अच्छा, वो खातून कैसी हैं? एंगिन, उन्हें काफी फ्रैक्चर्स आए, मैंने और डॉक्टर आसिम ने ऑपरेशन कर दिया है। मैं अब चलता हूँ। क्यों किया उन्होंने ऐसा? यार मुझे कैसे पता होगा, अभी तक होश नहीं आया उन्हें। बात सुनो, तुम वहां पर क्या कर रहे थे? सबसे पहले चेकअप तुमने किया था, मुझे अम्मी ने बताया। मैं उसी एरिया में था, खबर मिलते ही फौरन चला गया। डॉक्टर की जरूरत पड़ जाए शायद उन्हें, क्योंकि मिस परिहान मेरी पेशेंट हैं। गिन, कोई और मसला है तो बताओ। नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, कहां से आ जाते हैं समझ नहीं आती। मोहम्मद, जल्दी बताओ बेटा, मेरी परी कैसी है अब? बोलो ना, कैसी है? बच तो जाएगी ना, कोई खतरे वाली बात तो नहीं है बेटा? अंकल आप घबराइए मत, आपको अल्लाह का वास्ता है। वैसे भी आपने हर थोड़ी देर के बाद कॉल करके अपने आप पे शक करवा लिया है। बड़ों से जबान चलाते हो। तौबा तौबा मेरे अल्लाह, तौबा तौबा। जिस औरत से मोहब्बत करता हूँ उसकी जान भी जा सकती है, उससे मिल भी नहीं पाया, उसे प्यार भी नहीं कर पाया, लोग क्या कहते हैं ये फिक्र क्यों करूं मैं? क्या आपने आंटी के बारे में सोचा है कि उनका क्या होगा? देखो लड़के, मजाक मत उड़ाओ मेरा, बस मुझे सारी तफसीलात बताओ, जल्दी जल्दी क्या हुआ था? यार अंकल, मैं आपको सारी डिटेल्स दे चुका हूँ, यकीन कीजिए कि घबराने की कोई बात नहीं, कोई परमानेंट डैमेज नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि रिकवरी थोड़ी मुश्किल होगी। उन्हें बहुत ज्यादा फ्रैक्चर्स आए हैं, खासतौर पर सीधी साइड पर बहुत ज्यादा है। वो क्या होता है, इंसानों की तरह बात करो। यार मेरा मतलब है कि उनके दोनों हाथों और पैरों में फ्रैक्चर्स हैं, ठीक हो जाएंगी, फिक्र मत। बेचारी चलेगी कैसे, खाएगी पिएगी किस तरह से? यार मेरी जख्मी चिड़िया ठीक हो जाएगी ना? मुझे लगता है कि उस एंगिन को शायद शक हो गया है हम पे। सिर्फ वही नहीं, सना भी आई थी आज यहाँ पर तो, और उसने मुझे यहाँ टीवी के सामने रोते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया था। पता था मुझे कि एक रोज आपकी वजह से पकड़े जाएंगे, और इसकी जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ आपकी है। आंटी इस बात पर आपकी आंखें फोड़ देंगी। हाँ वो फोड़ने वाली थी, लेकिन जब मैंने उसके सामने बात बनाई कि पुरानी क्लाइंट को खोने की वजह से मेरी आंखों में आंसू आ गए, फिर उसने भी सोचा कि अब तक उसे जितनी भी डायमंड रिंग्स मिली हैं वो परी की सर्जरी की वजह से मिली हैं, तो क्या करती, चुपचाप चली गई वो यहाँ से। ओफ अंकल, ओफ अंकल, यार वो एंगिन दरवाजे के आगे पीछे नेवले की तरह घूम रहा है, और वो आंटी घर पर भेड़िए की तरह बैठी है, मीडिया गिद्ध की तरह हम पर नजर जमाए बैठी है, उससे कैसे बचेंगे ये बताइए मुझे आप। ओ मेरे बेटे, ओ मेरे मोहम्मद, मुझे क्या पता था, भला मैं कैसे जानता। ये सब कुछ उस लड़की की वजह से हुआ है। कौन सी लड़की? वो मीडिया से एक लड़की थी, बस वही है। यार मैंने पीरू को मनाया था कि मेरा हाथ पकड़कर नीचे आ जाए, लेकिन पता नहीं कहां से ये लड़की आ गई। ये गधी जर्नलिस्ट कैसे बन गई पता नहीं, मुझे कैसे ऊपर पहुंच गई कुछ भी मुझे नहीं पता चला। बेवकूफ लड़की। कौन सी लड़की? इस्तांबुल आने से पहले क्या सोचा था और क्या हो गया मलिका? बेचारी मलिका, हर कोई तुम्हें बेचारी समझता है। मलिका जो अपने उन बच्चों के बाप से बिछड़ गई जिसे अभी वो मिली भी नहीं थी, वो मलिका जिसके पास घर पे सिर्फ आधा नींबू है। कौन आ गया? या अल्लाह कौन हो सकता है? शायद लैंडलॉर्ड भी हो सकता है,
लेकिन ये कौन सा वक्त है? या अल्लाह, ये क्या हो गया? मैंने दीवा को मार दिया। मैंने धक्का दे दिया दीवा को। मुझे वो जेल में डाल देंगे। हाँ, वो मुझे लेने आए हैं। क्या करूँ मैं? और अब मुझे सजा हो जाएगी। मुझे पीछे वाले दरवाजे से भागना होगा। हाँ, बिल्कुल सही मलिका, जैसे तुम तो किसी हवेली में रहती हो ना। आखिर ये सब हो क्या रहा है? मेरा दिमाग खराब हो जाएगा। हाँ, मुझे खिड़की से भागना होगा। घर पे नहीं हूँ अभी। मैं कहता हूँ दरवाजा खोलो वरना मैं तोड़ दूंगा। मैं घर पे नहीं हूँ, समझ क्यों नहीं रहे ये लोग? ठक 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 ठक, नहीं खोलूंगी मैं दरवाजा। दरवाजा खोलिए, हमारे पास वारंट है। फिल्म वाले डायलॉग मार रहे हैं मेरे साथ। कोई रास्ता नहीं बचा, मुझे हथकड़ी पहन के जेल जाना ही पड़ेगा। अलविदा बिल्ली, अलविदा मेरी आजादी, अलविदा। जी कहिए। क्या आपका नाम मलिका सलाम है? क्या मैं पता नहीं हूं या नहीं हूं, लेकिन सर यही है मलिका सलाम। गफूर अंकल, आपने कौन सा जुर्म किया है? आप इन पुलिस वालों के साथ क्या कर रहे हैं? मैंने नहीं, तुमने किया है। तौबा, मैंने जान के कुछ नहीं किया। मैं सिर्फ मदद करना चाहती थी उनकी, इसलिए वहाँ गई थी। मगर दीवा तो अचानक। गफार साहब आराम से। मलिका, देखिए मैडम, हमारे पास आपके खिलाफ गिरफ्तारी का वारंट है। ये घर खाली ना करने के लिए और कोर्ट का ऑर्डर ना मानने के लिए आपको इस वक्त ये घर छोड़ना होगा। निकालिए सर, आप इसे अभी निकालिए। मेरा जो किराया है वो ये अपने जानवरों को खिलाती है। अरे गफूर अंकल, आप तो बहुत ज्यादा लालची हैं। ऐसा तो मैंने सोचा भी नहीं था। क्या हुआ अगर मैंने 4-5 महीने का किराया नहीं दिया? आपको तरस नहीं आता उन बिल्लियों पर? आप तो चाहते हैं वो भूखी प्यासी मर जाए। और मैडम, आप अपना सामान बांधें और हमें मुश्किल में ना डालें। कैसी मुश्किल ऑफिसर? लीजिए अपना घर और अचार डालिए। मुझे बिल्कुल नहीं दुख हुआ, इनका घर इन्हीं को मुबारक हो। मैं तो शुक्र अदा करती हूँ। क्या होता अगर मैं दीवा की जगह होती? वो औरत चिड़िया की तरह गिर पड़ी और मैं उसे पकड़ भी नहीं सकी। बेचारी किस हाल में होगी वो बेचारी जख्मी औरत? न जाने कैसी हो गया मुझसे ये सब। ये दीवा कौन है? मैं 10 मिनट में आती हूँ। ओके।